फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सूजी के गोलगप्पे। सबसे पहले एक कटोरी सूजी लेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 200 ग्राम सूजी लिया है और इसमें 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल मिक्स करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, सूजी और तेल मिलने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। अब इससे हम गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। अब हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा आटा बिल्कुल सख्त हो गया है। सूजी ने सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। इसे हम फिर से एक बार गूंथ लेंगे। अब आटे की हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। बेलन से चारों तरफ से बराबर बेल लेंगे। इसी तरह हम सारे आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेल कर रख लेंगे। ये देखिए, अब हमारी सारी पूरियां बेलकर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम तलेंगे। अब एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे और अब इसमें पूरियां डालेंगे। पूरियों को हम तेज आंच पर ही तलेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से पलट पलट कर तल लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी पूरियों को तल लेंगे। अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारे सूजी के गोलगप्पे बनकर तैयार हैं।